ये रोटी खुआओगे कौन खुआओगे जाऊं जरा रुपया दिया करे ना उड़े जाके खा ले टिकड़े अरे कोनी कितना ही समझा ले कितना ही दे दे रे क्या देवा रोटी घर का नाश होने लग रहा है भाई सुन जाके समझाओ ठीक है समझ में आ जाता ठीक चलो आपका काम कर लेगा ठीक है राम सोनिया अरे सुने के खड़े गई हाँ बोल ठीक है ना लगी कुछ को नहीं दिखता सामान सुन बिखरा पड़ा था तेरे खातिर एक चीज लेके आया हूँ मैं बेरा क्या चीज ले पाया अरे राजू हो जाए इस तरह मुतरन लग रही है तो दिखा तो दे देख लैपटॉप लेके आया तेरे खातिर ये तो नहीं नहीं गया लग जैसे ये सेठ जी बता पैसे उधार लिए मैंने तेरी पढ़ाई खातिर तू फिर उधार लेके आया सर पिए अरे मैं तेरी पढ़ाई खातिर लेके आया तू खोल कर देगी इसमें तू अपना पेपर दिए ठीक है अपनी पढ़ाई करिए कोई दिक्कत ना है नौकरी लाग जाएगी सबके पैसे उतार देंगे टेंशन ना ले किस तरह पैसे उतारेगा तू गोबर ठाठा कर लो कर मैं अपने आप उतार दूंगा तू टेंशन ना ले नौकरी भी तो लागेगी तेरी तो सबने फिर लागना चाहिए ना गरीब आदमी भी किसी तक कम ना होते कोई ना मेरी मान ले ठीक है देख ले इतना चला चुला ले तू पढ़ाई तो कर रही है ठीक सर हाँ ठीक है चाले सर चाली भी इतनी मेहनत करके मेरे खातर लैपटॉप लेके आया ना देखिए तू मैं कितनी मेहनत करूंगी और सब ना सबक सिखाऊंगी जिन जिन ना मारती गंदी नाली का कीड़ा पैसे लूटनिया सब कुछ कह है ना तू देखिए आज गर्मी में दिन काटने लग रहे सा ना हम तपन लग रहे सा एक दिन एसी लगेगा अपना गिरा दिन रात मेहनत करूंगी दिन रात चल ठीक सर ठीक सर गर्मी से जरूरी सा ना संभाल कर दर दिए कितना ज्यादा ना बस कोई दिक्कत ना है तो ठाकुर दरिए ना काम करेंगे पानी दिया तो करा ना ले पानी पी ले हाँ भाई लेके आ पानी करी खाता तू कुछ सिखाया ये बाया हूँ बस अच्छा मैं देख रहा दूर तो मेरे कौन पढ़न लाग रही है मगर ले पानी ले जाऊँ गर्मी गड़ी हो रही है पसीने आने लग रहे हैं तो पढ़ाई करती रहा बस ढंग से ना मैं बिल्कुल चाहूँ जल्दी सी नौकरी लग जाए पढ़ लिखा यार आज सवेर की लाइट को कोई बात ना तू क्या तो है इन्वर्टर लग जाएगा नौकरी थोड़े बहुत दिन की और सहन करना हमने ना ठीक है कल का एग्जाम है मेरा कल का एग्जाम तेरा तो फिर तो आज तो लग ही रहेगी पूरी रात पढ़ेगी है और की रोटियां का टाइम भी और ऐसे कोई ना रोटी तो मैं बना दूंगा ठीक है तू पढ़ाई में ध्यान दे इतने मैं नहा दूँ एक बार फिर रोटी बना दूंगा ठीक है तेरी खातिर तो पढ़ लेके ना सोनिया हाँ तू नींद के लटके लेने लग रही है खड़ी हो जा सो जा कल पेपर देने भी जाना है पेपर देने कौन जाना तो पेपर ऑनलाइन सा मेरा इसमें दे लूंगी पेपर तो मैं तो मैंने रोटी राटी बना दी रोटी खा लिया फिर सो जा बनाए टाइम हो रहा है तो देख 11 बज गए रात के अच्छा हाँ चल थोड़ी देर में हो रहा हूँ बस एक चीज़ हो रहा है कि वाल कर लूँ मैं तो कोई 12 बज जाएंगे करते करते इसने क्या पूरी रात ही पढ़ेगी क्या जो पढ़ना तो पड़ेगा कल का पेपर है टाइम भी को नहीं मिला क्या करूँ बता चल कोई ना पढ़ ले लो कद करके दिखाना तो है ना कोई ना चल ठीक है वो क्या करे बैग स्टॉप लगे थैंक यू हाँ तू कर ले तैयारी इतना मैं रोटी खा लिया फिर हाँ ठीक है भाई पढ़ना लिखना लाओ ना इतना कुछ खा भी लिया मुँह बताया था तुम नाम नहीं आएगा मेरा क्या करा से नाम लिख के देखो लगना तनबेरा है मेरे पेपर का रिजल्ट आ गया है और पास होगी मैं नौकरी लग गई हो जाओगी फिर तो वो कांग्रेचुलेशंस के हो कांग्रेचुलेशंस हां कांग्रेचुलेशन ये देखिए ये सब ने सबक सिखाऊंगे आपा फिर पेन लगा ले जो ना अफसर बन गई फिर ये पेन नहीं देगा कि मैं मिठाई मुठाई को नहीं मिठाई देगी मिठाई तो तू देगी नहीं मिठाई तू वे ला दे ये तो मैं को नहीं कमाऊं कल तो नौकरी जाऊंगी फिर कमाऊंगी कौन सी पोस्ट पर लागी उस रमलो तो भाई उससे बड़ी पोस्ट पर लागी है हाँ उसका उच्ची पोस्ट है सैलरी भी ज्यादा है मेरी उससे चलो बढ़िया फिर एक काम करा तो सबसे पहला मिठाई उनसे ही खा खाऊंगे देख ले फिर तू उन बीच में लेकर आने लग रहे थे ना
अरे बोली सी बात क्यों करे तू, मेरा कहने का मतलब ये है उनके घर जाएंगे मिठाई देंगे, उन्हें बेरा तो लाग गया कम से कम कि अच्छी नौकरी लाग गया अच्छी सैलरी रम लू तुम्हें ऊपर लगी है। चल बोली कुछ बात मैं मिठाई लेके आऊँ, चल रस्ते में तो ले लाएंगे मिठाई ठीक है, दे आओ बड़ी दुकान पे तो ले आएंगे। हाँ देख ठीक से रमलू, रमलू भाई। ओ रमलू वाला के बात है, कुकरा तू आड़ मुठाई सुन भाई। राम राम। ओ ये राम राम है, आड़े करण के आ तू भाई, मैं तो मिठाई लेके आया था, मिठाई ही ना था ही मिठाई खावांगे सारा दिन तीन हाथा दी गेरा गोबर रे, फिर तू आड़ मिठाई लेके आ गया, क्या के ले आ तू या भाई? मेरी बहू की नौकरी लाग गई थी मेरी बहू की, इसलिए मिठाई लेके आया था मैं तो भाई। भाई तारी मिठाई ने मारा घर का कुत्ता भी ना खा, ठीक से जिन पात आ था ने इन पात उल्टा डगर जा, नहीं तो मारूंगा लात रगेट की गुरड़दा जागा। भाई मिठाई तो खाई लेता मैं तो, अपना घर समझ के आया था भाई। अरे मन्ना बेर है तू किसा घर समझ है, ठीक से तना रुपये लेने तू बता दे कर पेची मिठाई के बदले में, देख ले 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 मिठाई कम थी ना जाऊंगा घर, मिठाई ना खाओ तो कोई बात नहीं, ऐसे बोल तो ना मारा भाई, बोल झूठे ही नाश कर दिया था हमने मारा। जब तक वो नौकरी लग गया तब नू बेरा पट्टा उसके गोद में रुपये है, जब तक खाली कण बचा ले रहे हो तुम दोनों के दोनों। भाई मिठाई तो खाई लेते एक लाते सी मिठाई के शर्माओ तने 5 रुपए की मिठाई लाएगी, अरे तुम्हारे तो 5 लाख रुपए ले जाना चाहो है तन्ना अच्छी डाल जानू मैं। निकल अपने समझाई थी ना उस दिन भी बारे उरा कौन ही आना सास माई। अब तू क्या कर रहे हैं शर्म नहीं आई तुम्हें भी तरपा टेक जानी भाई, कर ले भाई भाई मेरा दोस्त पास को कठान लग रहा तू आते आता थी इस पर लात बिठाऊंगा, अरे इसकी मत हो गया तो आरती आने की, अरे यार सारी तेरे कान हो रही है। तो मेरा दोस्त तो भाई घर तो आवेगा, क्यों आवेगा मिलन ना मेरे तो आओगा, मैंने हजार बार समझा रखी है तेरी किसे ना बुलाया कर ना बुलाया कर फिर आओगा यो भाई, मेरा के बात होगी भाई साहब आपस में यो घर पड़वा लाग रहा इसका काल तो ना उठाया, तो या इसने सिखाओगी बात बनाओगी इसका ना जाओगी सुनाओगी तो मैं तो किमें कहूंगा। अरे सारा रुपया का रोड़ा है भाई, ठीक से आपस में फूट नहीं कराओ तो रुपये कुकर देगा तो इसकी। भाई मैंने कसम दे रखी है मेरे को बात दबरी है मैं बता कौन सकता। अरे के बात दबरी है भाई साहिल बतानी पड़ेगी तो बात बात से ऊपर तक पानी तू करे क्या लकड़ा से चल भाई मेरा भाई मैं भाई मेरा भी हाथ उठ जाएगा, ठीक है मेरा दोस्त पार ना ठावे मैंने मजबूर ना करे तू देख ये दिन आज इसका कारण तू मेरे तीनू को है भाई थाम तो मैंने पढ़ाई पढ़ाई खातर पीसे दिए थे वड़े रहने खातर खान पीन खातर कौन दिए यो दिए मैंने पीसे वड़े रहने दे सुमत बताओ भाई, ठीक है जितने पीसे थम कौन दिए मेरे नौकरी लगवाने में सबसे बड़ा तो इसका ही है, इसकी वजह से नौकरी लग गया हूं मैं। आज अगर मेरा आदमी लोगों की नालियां साफ करे ना और गोबर ठावे तो सिर्फ इसकी वजह से, मैं बीच में जब तुमने मेरी बेइज्जती करी ना 100 बार सोचा मैंने कि आके बताऊं कि जिसकी तुम इतनी बेइज्जती करो ना उसके चक्कर में यह नौकरी लग रहा है। सारा कर्जा गोबर गेड़ के कैंपर ढोके सारा कर्जा तारे है वे पीछे जद उतरे है भाई, मैं तो ना मिठाई लेके आया था तेरी भाभी नौकरी लग गई भाई ना हाथ मारा फेंक दी भाई। भाई साहिल किस बात की मिठाई लेके आया भाई, भाई कितना था? अरे भाई रमुलू तन्ने भी मेरी आवाज कदे नहीं बताई भाई, तुम बताने का मिलन ही कौन दिया करते कुकर बताऊं था ना बात यार भाई मेरा गदो जो भी मौका आया तो इसाया भाई तेरे पर पे लेंदा पाया भाई मैंने इससे कसम दे रखी थी भाई, तो भाई सर का पानी ऊपर चल गया भाई, भाई माफ कर दे भाई, भाई मेरे तो बड़े हो तुम ठीक है बस मैंने तो भाई खातर कराया जो कुछ करा मेरा भाई की तरह बचपन तक गहल रहे हैं जब कराया मैंने तो भाई, भाई मिठाई भी मैं लेके आया था तेरे तो बड़ी सही भाई अच्छे कर्मा का अभी नौकरी लग गई। हां भाई तेरे डिपार्टमेंट में लग गई कोई बात ना, या बात सही कही गई है अच्छे कर्मा का मैं साथ साथ फल मिल जा रहे देख आज इसके घर में नौकरी मिलेगी, इसने तू लगवा ना भाई हाँ। तो इसे कारण आज भगवान इसकी भी सुन ली मारी नौकरी लग गई पर हम इतना याद रखेंगे कि हमारा पहला वक्त के था नौकरी क्या में लगी है भाई रमुल वाले डिपार्टमेंट में लगी भाई, इससे बड़ी नौकरी है इसकी पोस्ट बड़ी है भाई, बहुत खुशी का मौका भाई इसके नीचे काम करेगा रमुल भाई, भाई कोई बात को नहीं या भी मार रहे है अरियो भी मार रहे है भाई, एक बात है अगर रमुल की नौकरी में मेरा हाथ है ना तो मेरी बहू की नौकरी में थारा हाथ है, जब तुम मारी गली साहब को नहीं करते ना तो हम ऐसा काम को नहीं करते नौकरी लगने वाला, हमने लोगों की सुन सुन के मेरी बहू ने पढ़ाई करी है भाई, बताऊं जो भी होया करना बढ़िया होया कर भाई, हो सकया है इस रोड़ा रब्दा के कारण तेर में कुछ जोश आया अरिया नौकरी लगवा दी, ऊपर वाला जो कराया करना भाई गलत नहीं कराया करता ठीक से, राज ऐ खुल गई अरे भाई मन तो इस बात का बेरा कौन था रही भाई, मैं तेरी दोस्ती ने सलाम करूँ हूँ
मैं तुम्हें कहूँ अगर दोस्ती करो तो इसी करो, दोस्त बनो तो कृष्ण सुदामा वर्गे बनो, धोखेबाज नहीं भाई। भाई मैं आज गर्व करूँगा तू मेरा छोटा भाई है। तो भाई आज तुम दो भाई जाओ कड़े हो आज तुम भाई चाबी लागी है खुशी तेरा घर में नहीं भाई, खुशी आज मारे घर में भी आई है भाई। भूख रो भीतर जाएगी हलवा बना दो देसी घी का, हलवा खा के भाई फिर जाइयो कटाई आज तेरा घर नहीं हालत चढ़ेगी। ठीक से आ जाओ तीन भाई हो गए। हाँ चलो भाई रास्त भाई अगर तेरा ही समझिए सही में। घर का कुत्ता ना खाई मिठाई ना तारी ने आदो क्या था समझाई थी इनती उस दिन भी कि उरा कौन तो समझा दी तुमने। अरे दिले अरे मारा घर का कुत्ता इतना खाता रही मिठाई ने आदो क्या था। ये यार मैं तो बनी ऐसी वो तो कलाकार एक नंबर जम्मा भाई मेरा दोस्त हाथ को कठण लग रहा है भाई। मैं ठीक ठाक हूँ तो बीच में ना बोलिया कर। मैं ठीक ठाक ला रहा भाई मैं ठीक ठाक ला रहा हूँ भाई उल्टा कैमरा चला ले। मन्ना कहता गड़ा मन्ना ने कहता गड़ा पकड़ दे आज ये बढ़िया आज यू आरती आ गया यार क्यों लॉस करने लग रही है। तो मेरा दोस्त तो घर तो आएगा भाई तने बीच में बलून की कोई जरूरत पड़ी वो बोलन रे फेल जाओ थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। हां वो कैच को नहीं यार सड़ जाएगा वो क्या है सर गुड़गुड़ कमला खड़ा था मेरा सारा ठीक है हो रहा सारा देने का दिन भाई लम फेल जाओ थोड़ी ला जाओ जिले सीन में काट के जा जाओ भाई। अब दोस्त पर ना ठावे मैंने मजबूर ना करे तू देख यही दिन अच्छा रे इतना बाकी था आज इसका कारण है। यार मैं सीरियस हो रहा हूं यार हट फद्दू चलो चलो बता को मजा चला 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 सोना किशन जी सीन करो सही। दे दो सीन करो फटाफट कैमरा लगाओ। आज कैसी लगी वीडियो आपसे जल्दी बताओ लाइक करो कमेंट करो शेयर करो।